संगीत सरिता संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला डागर बानी में ध्रुपद दर्शन। हमारे आमंत्रित कलाकार विख्यात ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी। पंडित जी, डागर बानी में वॉइस कल्चर यानी कंठ संस्कार होता है, तो इस विषय पे हम ये जानना चाहेंगे कि कंठ साधना के अंतर्गत स्वराभ्यास और सुर का लगाव कैसा होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी। कंठ संस्कार या वॉइस कल्चर तालीम के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो सुर का लगाव से हम शुरू करते हैं कि कैसे हम स्वर लगाते हैं। डागर वाणी में हर स्वर का आधार अक्षर होता है। अक्षर जो है वो वाणी भी है और अक्षर उस स्वर पर ठहरने के लिए भी आवश्यक है, तो वहीं से कंठ संस्कार शुरू होता है। पहले हम आकार से उसको स्थापित करते हैं। फिर जो दूसरा अक्षर है वो है ना। ना का अर्थ नारायण भी है, नारायण से ना है। जब हम ना कहते हैं तो हमारा जो स्वर है वो नीचे से ऊपर तक की हम दृष्टि है, जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, यानी जैसे कि आप नाभि से, हाँ, नाभि से मूर्धा तक ये जो गति है ना, आकार और आ और ना दोनों वर्टिकल है। फिर रे, ये अगल बगल स्वर जो है जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। रे हरी से री है, सभी अक्षर मंगल सूचक है हमारी डागर परंपरा में। हमारे गुरुजी ये कहते थे कि हमारे भाषा की जो भी अक्षर है सब मंगल सूचक है, स्तुति परक है। रे पूरे श्वास के खींचकर जितने लंबे हम उसको रोक सके। उसके पश्चात है नो, ये नूम अक्षर है जो नासिका के अग्रभाग से साइनस पॉइंट है, ये जी यहीं से प्रकट होता है। ये योग अभ्यास में ये भ्रामरी भी है। नो, नूम जो है वो बिंदु भी है, इसको नाद बिंदु भी कहते हैं, बिंदु स्वरूप है वो जी। और अंत में आता है प्रणव ओंकार, ओम जो है, ओम का उच्चारण हमारे गुरुजी कहते थे कि वो पूरा वृत्त है, गोल है, अखंड है, इसीलिए ओमकार जो है वो अखंड स्वर है। ओ, तो हमारी डागर परंपरा में स्वर अभ्यास इन्हीं अक्षरों से किया जाता है। आकार है, ना है, री है, नूम है, ओम है। और इसका जो नियम है, सुबह सूर्योदय से पहले हम मंत्र साधना करते हैं जी, और ये मंत्र साधना का नियम जो है ये 40 दिन का होता है, जिसको चिल्ला कहते हैं। अच्छा। और 41 दिन में ये समाप्त होता है। वाह। तो कई चिल्लाएं जो है वो करनी पड़ती है, तो ये चिल्ला का अभ्यास बहुत आवश्यक है। पंडित जी, आपको सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि हमने पढ़ा था कि आलाप में
ओम अनंत हरि नारायण चरण तारण लिया जाता है, तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारे डागर परंपरा में जो भी हम राग को प्रकट करते हैं मंगल सूचक शब्दों से, इसका आधार जो है विष्णु मंत्र है। हमारे गुरु जी कहते थे कि ये कलियुग का महामंत्र है। क्या बात? हरि ओम नारायण तरन तारण अनंत हरि, इसी को तोड़कर हरि जो है री बन जाते हैं, नारायण ना हो जाता है, फिर री रह रहना तेत रहना तर रहना री रह रहना, इस तरह के अक्षरों को लेकर। और ये परंपरा बहुत पुरानी है। अगर हम 2000 साल पीछे जाएं तो इसको भरत मुनि ने निर्गीत कहा है। अच्छा। और निर्गीत में कोई सार्थक शब्द नहीं होते हैं, निरर्थक होते हैं, लेकिन वो सब मंगल सूचक है। पंडित जी, आपने खुद आलाप में लयकारी और आवृत्ति के लिए कुछ आविष्कार किया है, जी जी आप बता रहे थे उसके बारे में। इन्हीं अक्षरों के अभ्यास के लिए एक बहुत सरल उपाय है, तर र न रे र र न ते तर न र न न ना। अब पूरे जो सप्तक है इसमें हमने बांट दिया अक्षरों को, सा रे गा मा प ध नि सा नि ध प म ग रे सा तर र न रे र र न ते तर न र न न ना। इसमें हमें छंद भी प्राप्त हो रहा है, दुगुन कर दें, तर र न रि र र न ते तर न र न न ना, तर र न रि र र न ते तर न र न न ना। फिर हम छंद बनाते जाएंगे, तर र न रि र र न ते तर न र न न न तर र न रि र र न ते तर न र न न न तर र न न रि र र न न। अब देखिए चार का पांच हो गए, एक दो तीन, एक दो तीन, तर र न न रि र र न न ते तर न न र न र न न तर र न न रि र र न न ते तर न न र न र न न। इसमें ये हम लोग ध्यान रखते हैं कि स्वर पे आघात ना हो, कोई कठोरता ना हो। जी, तो वहां हम श्वास को किस तरह बिना आघात के, इसमें आघात कम हो और अनुरणन ज्यादा हो। जो अनुरणन होता है, नाद का एक अनुरणन होता है जी, वो प्रकट हो। ना अब ना ना, ये आघात ज्यादा हो गए, लेकिन ना क्या बात है, रे ना रे नो री ला रे ने ला। अब ये जो मैं बिना सोचे गा रहा हूं, इसका अभ्यास है अलंकार पलटे जी। और हमारे डागर घराने में कई पलटे हम लोगों को अभ्यास कराया है, कुछ ऐसे विकट पलटे हैं जिससे कभी हमको स्वर पर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं है, वो अनायास होता है। जैसे कि सारे गा मा सा नि ध प रे गा मा प नि ध प म गा मा प ध ध प म ग मा प ध नि प म ग रे प ध नि सा म ग रे सा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक आरोह में जा रहा है, एक अवरोह में जा रहा है, चार चार स्वर। तो इस तरह के जो पलटे हैं, या फिर अंतरालों से सारे सारे ग सारे गा मा सारे गा मा प, फिर अंतराल बढ़ा दिया, सारे सा ग सा मा सा प सा ध सा नी सा सा, यहाँ खत्म नहीं हुआ, रे ग रे मा रे प रे ध रे नी रे सा गा मा गा प गा ध गा नी गा सा मा प मा ध मा नी मा सा प ध प नी प सा ध नी ध सा नी सा। इस तरह पलटे की रचनाएं हैं।
इसी संदर्भ में मैं एक तानसेन की रचना, ध्रुपद रचना है जिसमें स्वर का महत्व है, सातों स्वर का, राग भैरव में है। रना रे सप्त सुर सप्त सुर तीन ग्राम तीन ग्राम तीन सप्त सुर तीन ग्राम इके समोर चना इके समोर चना गीत छंद धोआ गीत छंद धोआ माठा प्रबोध माठा प्रबोध त्रेवट तान त्रेवट 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 तान एहि सप्त सोर तीन ग्राम ग्राम ए आरोही अवरोही अस्थायी संचारे अस्थायी संचारे वादी विवादे संवादे अनुवाद जान अनुवाद 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 जान ए सप्त सुर तीन ग्राम खरज रेखव गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद तानयान खरज रेखव गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद तानयान सारे गम पद निशानी सारे गम पद निशानी सारे गम पद निशानी दप मगरे सा तान से तान 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 सेन तान तान सेन तान सेन तान 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 सेन तान 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 सेन तान सेन तान सेन कयो ग्रंथ प्रमाण कयो ग्रंथ कयो ग्रंथ कयो ग्रंथ प्रमाण एहि सप्त सुर एहि सप्त सुर तीन ग्राम तीन ग्राम एहि सप्त सुर तीन ग्राम तीन ग्राम तीन ग्राम ओम डागर बानी में ध्रुपद दर्शन इस श्रृंखला की छठी कड़ी आप सुन रहे थे। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की रामकृष्ण दास ने। पखावज पर संगति कर रहे थे श्री ध्यानेश्वर देशमुख। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।